ये छोटा बच्चा ये दूध पीता है और इन्हें भूख लगी है। यहाँ चल रही है हमारी पूरियाँ, यहाँ पे सब लोग बना रहे हैं खाना। देखिए यहाँ पे सब लोग खा रहे हैं। यह है हमारा आश्रम, गोकुल आश्रम है। यहाँ पे सबके लिए खाना बना था और हम गोकुल आश्रम में रुके थे, इस तरीके का यहाँ पे डोनेशन करते हैं। आए कब लोग आपको दिखाते हैं, कंटिन्यू बने रही है। अभी हम जाएंगे वृंदावन। खा लिया? हुआ कि नहीं? अभी पियो। जा रही हूँ मैं, बाय बाय, अभी आगे मिलूंगी। मेरे सैंडल कहाँ है बाबू? एक मिनट रुक जा। ये हमारा गोकुल आश्रम है और ये यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, भोलेनाथ जी का। ये अशोक का पौधा। यहाँ पे ना मेरी सासू माँ तोड़ रही है यहाँ पे आंवले, क्योंकि आंवले गोदी गोदी ये आंवले का पेड़ है। चलो दिखाते हैं, इस पे आंवला लगे हुए हैं। रुक जा ले दो। ये बाग है, बाग। यहाँ पे बहुत सारे फल भी हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे ना संतरे भी लगे हुए हैं, अगर होगा तो मैं वो आपको दिखा दूंगी। वृंदावन के पागल खाने में आज के हम फुल मस्ती हो रही है गाइस यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी हरियाली है, बाग भी है। यहाँ पे नींबू बहुत है और नींबू मेरी बहन ने यहाँ पे ले भी लिया है। मौसमी, हाँ लो, इसे तो मौसमी मिल गई। यहाँ पे यहाँ पे लगे हुए हैं बहुत सारे, दिखाती हूँ मैं आपको पास से। ये यहाँ पे पूरा ये मौसमियों का बाग है और सब लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, खाना वाना भी लेके जा रहे हैं सब लोग, क्योंकि रास्ते में खाना खाएंगे। अभी हम जाएंगे यहाँ से वृंदावन। गाइस ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा प्रेम मंदिर कहाँ पे है, कैसा है, कितना सुंदर दिखता है ना। आश्रम को करते हैं बाय बाय, अब जाते हैं वृंदावन घूमने के लिए। वृंदावन घूमने के लिए बाय बाय कर रहे हो और वीडियो बन रही है। जा रहे हो ना वृंदावन? चल रहे हो हमारे साथ? हाँ, आ जाओ। क्यों नहीं, ये भी जा रही हैं। मैं भी जा रही हूँ। बहुत लोग आए हैं हमारे साथ घूमने के लिए, दो दिन का ट्रिप है हमारा। ये चंदावल, ये ना चंदावल देवी है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा पास में है। मैंने मंदिर देखा हुआ लेकिन आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ इस टाइम पे। आश्रम से निकल के फ्रेंड हम पहुँचे दावदी मंदिर, जिन्हें श्री कृष्ण तो दाऊ कहते थे, लेकिन बलराम जी का मंदिर है ये। तो रास्ते में बच्चों को यहाँ पर तिलक करवाया, राधे राधे लिखवाया। आगे आपको दिखाते हैं कैसा मंदिर है।
अगर हमारे दर्शन हो गए तो आपको भी दर्शन करा देंगे। ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा। और मेरी आवाज़ कुछ ऐसी हो गई क्योंकि मुँह में मेरी परेशानी हो गई है, इस वजह से मेरी आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। तो अभी बस 12 बज रहा था, हम 12 बजे के समथिंग पहुँचे थे दाऊजी मंदिर। रास्ते में ही पड़ता है इसलिए हमने सोचा यहाँ पे भी दर्शन करते हैं। जब आए हैं तो सभी के दर्शन आपको दिखाएंगे, सभी मंदिरों के। बच्चों की खुशी थी कि हम राधे राधे लिखवाएं शहरी पर, तो हमने आपने ही लगवाया क्यों लगवा लेते दीदी हुई है ना आज। यह है दाजी मंदिर का प्रवेश द्वार। तो बस हम अपने सैंडल जूते बाहर निकालते हैं। मैं पहली बार गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे जाके दर्शन करके। क्या होता है मेन मंदिरों के दर्शन नहीं कराते हैं, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाने देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं रहता ना ऐसे मेन मंदिर मूर्ति की यहाँ पे वीडियो बनाना, और सब लोग मना करते हैं। तो बस जा ही रहे थे। ये कुछ इस तरीके की हम दुकानें लगी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं। दुकान तो काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी थी। यहाँ पे मिश्री और माखन का भोग लगता है दावी मंदिर में। तो बस अमीन ने यहाँ से प्रसाद लिया, यहाँ पे हम लगाएंगे भोग आगे चल के। तो यह देखिए मंदिर, भीड़ तो काफ़ी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन मंदिर भी बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत अच्छा लगा हमें। दर्शन करके बस फैमिली फ़ोटो करवाया यहाँ पे। तो देखिए बिटिया रानी कैसे खड़ी है, हमारी इधर उधर देख रही थी। और ये हमारा फैमिली फ़ोटो जो लोग हम गए थे, ये मेरी फैमिली है। तो बस यहाँ फोटो हो गया था। और धूप ना बहुत ज़्यादा हो गई थी, 12 बजे का टाइम था ना इसलिए धूप हो गई थी। सब लोगों ने यहाँ पे फोटो करवाई। और ये भी ब्लॉगर हैं जो वीडियो शूट करते जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, उनका भी चैनल है, ये भी अपना वीडियो बना रहे थे। तो बस अभी रह गया है हमें परिक्रमा लगाना। ये मंदिर नीचे है और परिक्रमा ऊपर लगाते हैं, तो बस वहीं हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे ऊपर। दिखाते हैं कैसे भाग भाग के बहुत लोग लगाते हैं परिक्रमा। पहले आपको मंदिर दिखा रहे हैं हम सारा। यहाँ पे मैंने एक चीज़ का आपको वीडियो नहीं दिखाया, यहाँ पे कुछ ना मैं दान पत्र आज ही के दिन 1-2 तारीख था दान पत्र सभी पेटीएम से निकाला गया था धन, और बहुत सारा धन निकला। तो बस उसी को यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ना गिन रहे थे पैसे सभी। इतना धन मैंने पहली बार देखा, इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा था। तो बस देखिए ये है परिक्रमा मार्ग, ऊपर चढ़ के जाते हैं धीरे से। मेरी भांजी पहले गई हुई थी, वैसे उनके पीछे पीछे हम भी चल दिए। तो देखिए जा रहे हैं यहाँ पे, आगे दिखाती हूँ, और लोग भाग भाग के दे रहे हैं परिक्रमा, देखिए इस तरीके से। तो परिक्रमा कितनी लगानी होती है मैं बताती हूँ आपको, आपकी मर्ज़ी 11 लगा दो, 21 लगा दो, 7 लगा दो, लेकिन हम लोगों ने तो बस 7 लगाई थी, ज़्यादा नहीं लगाई थी क्योंकि हम 7 ही लगाई थी बस। बहुत लोग 5 भी लगाते हैं, जैसी आपकी मनोकामना हो उतनी लगा सकते हैं। मैं मेरी बहन साथ ही साथ चल रहे थे, ये भी चल रहे थे। तो हम सारे मंदिर घूम रहे हैं, और देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके का मंदिर दिखाई देता है। ऊपर सभी लोग परिक्रमा लगाते हैं, नीचे दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बस सब यहाँ पे परिक्रमा दे रहे हैं। आप भी अगर दाऊजी मंदिर नहीं आए हो तो घूमिए, बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से घूम के जाएंगे हम गोकुल 84 खम्मा वाला मंदिर है, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोगों का हो रहा फ़ोटो शूट, और बड़ी वाली बेटी वो आ नहीं रही थी, उससे कहते आ जा फोटो करवा ले। तो
तो फ्रेंड आगे अगर आपको वीडियो देखना है तो गूगल का दिखाएंगे चौराहे खम्बे वाला। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, कमेंट में राधे राधे लिखना। चलिए फिर मिलते हैं।